नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की लगातार हम जो आपको खबरें दिखा रहे हैं उसी कड़ी में हमारे साथ एक हमारे दर्शकन है। अपना परिचय दे दिया, कौन है तू, कड़ा का है और के करना है? और मेरा नाम एडवोकेट JP शेखपुरा है। मैं ग्रोंडे का शेखपुरे का रहने वाला हूँ और मैंने 2011 से आज तक अगर इस हिंदुस्तान में यूं मारा जहरीला शासक अगर कोई यहाँ पर दिल्ली में कोई फंक्शन करे ना भाई, अवार्ड समारोह देवेंगे नौजवानों ने जिन आंदोलन करे है। मैं 900 के लगभग आंदोलन कर चुका हूँ। युवा बोलेगा, सबकी आंखें खोलेगा, सबको बराबर तोलेगा। कोई भी आंदोलन हमारा असफल नहीं होता। मेरा काम होता है 2 मिनट के अंदर हक मांगना, हक सिखाना नौजवान को, और हम फोड़ना पाक मांगना सिखा भी देते हैं और युवाओं को जगाते भी हैं और उसके तहत अपनी जिंदगी जेड़ा में भी काटी है। इब तो ठीक हो गया, नहीं तो मुख्यमंत्री कोई भी आ जा करता उठा कर ले जा करते। 40-50 केस भी दर्ज हुए हैं, जैसे चकबंदी आंदोलन, अंडरपास के आंदोलन, मक्खियों के आंदोलन, ये मेरे प्रसिद्ध है। और यारा जो इस जमीन पर बैठे हैं, जिस जमीन पर भाई 10 वर्ष का जो कार या कुछ भी आती है 10 साल से ऊपर वाली, दिल्ली पुलिस वाले चलान काट देते हैं उसका। और हमारे ट्रैक्टर यारा घुस गए, हम उस जगह पे बैठे हैं, हम अपनी पगड़ी बचाना चाहे, हम अपने छोटा सा युवक का गायब हो गया है युवक का बचाना चाहे, अपनी संस्कृति बचाना चाहे, अपनी सभ्यता बचाना चाहे, अपनी फसल बचाना चाहे, अपनी नस्ल बचाना चाहे, अपने आने वाले बच्चों को बताना चाहे। हम धर्म की राजनीति तो दूर होना चाहते हैं, हम जात पात की राजनीति तो दूर होना चाहते हैं। 32 साल बाद ये किसानों का जो आंदोलन होया है, इस आंदोलन में आहुति डाल के अपने आप को इस धरती माँ की गोद में बिठाना चाहते हैं हम, इसलिए यहाँ आए हैं भाई। कहली भाई? हाँ कहली। हमने तो लगता यू कृषि बिल वापस ले लेंगे सरकार। कृषि बिल इसकी जब कुत्ता है ना, जब शहर कुत्ते की मौत आया करो, शहर का निभा गया करे। 7 साल पहले इसका नाम रखा गया था फैंकू और कांग्रेस वाले ने कहा करते पप्पू। यू है, यू बड़ा तेज आदमी है, खिचड़ी खाऊ आदमी है। मैं आपको बता दूं, इन पता क्या है, जातवाद पर धर्मवाद पर इन वोट मिल गई जो कर ये बिहार में जीत गए। इनको घमंड है, अहंकार है, वो अहंकार घमंड इनके अंदर है। इनके आस पास के आदमी सही रिपोर्ट नहीं दे रहे क्योंकि इनकी जो मीडिया है ना, थारे जिसे चैनल वाले हैं जो इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, सारी इनकी है, सारी इनकी मतलब इनकी बात बताओ है। दिन में बेचारा जितना किसान काम करा है, जितने तुम फेसबुक पे इन पर यूट्यूब पर हमारी बातें बताओ, रात ना सुधीर शर्मा वर्गा और वर्गे आका नई सी बात कह दें, वह जिनसे अंध भगत कहूँ हैं, जिनसे भी कहूँ वो थोड़ा बहुत आना चाहूँ भी वापिस चले जाऊँ। यूप यह बात तेरी ठीक है, इन्हें 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, अध्यादेश पवित्र जल वर्गा है। अगर इसने अगर शुद्ध बुद्धि आएगी तो ठीक है, इसने योद्धा देश वापिस नहीं लिया ना, ऐसा काम होएगा इस संसार के अंदर यहाँ पर जो कि अलग ही होएगा। क्या लगा ऐसा क्या होगा भाई, ऐसा क्या होगा? कह तो दिया गुरनाम सिंह ने अपने हरियाणा वाले किसानों ने, 2-3 दिन और बाढ़ देखेंगे, नहीं तो ये ट्रालियाँ है ना, ये सारा खाना जो कर 5 बैरियर तोड़ दे आए हैं, खाई खोद दी जिन्होंने, उन खाइयों को बरवान दे आए हैं, तो सीधा फिर संसद भाई हमारे पजामे कमीज धोतियाँ हमारे खंड के ओढ़े सूखेंगे संसद भाई, वो दिल्ली के बीच में ही रोटी बनाना शुरू कर देंगे। हाँ। सुन ले, ताड़ी पीट लो, ताड़ी पीट, तम भी राजी हो लो ताड़ी पीट के, तम भी ताड़ी पीट के राजी लो। चलो कोई नहीं, लोग सुन ले भाई, एक बताओ भाई शेखुप्रिया, लोग बाग न्यूबी के हैं, बात तो सारे सही कहे हैं, अगली भी सुन ले जुड़सी, हमने ऑफ रिकॉर्ड की बात है, लोग बाग न्यू के हैं, ये किसान कितना अंगा ला लो, ये BJP सरकार है जुड़सा फैसला ले लिया नहीं, उस पर अडिग है, ये फैसला कुकरे भी वापिस खोल लेंदी तो किम हो जियो। ये इसका तोड़ पिठान का तड़ बैठे हैं ये हमारे वाले, ये ऐसी नस्ल यहाँ पर आई है जो इसकी, ये ऐसी नस्ल यहाँ आई है जिनका बालक और सीमा पर चाइना पर सारे देश की रक्षा करने लाग रहा, यह ऐसी नस्ल यहाँ आई है जो खेत में काम कर रहा, या नकली नस्ल कोनी, फिर वो बब्बू मान वाली बात कह दूंगे, जट और जाट एक जी मतान लग रहा सब, पंजाब ना आकर ठीक है, पंजाब ना आकर जगाया मारता है हमारे आदमी, रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, पर एक बात बता दी बात, जीत के ये भी पक्के हैं, हम भी पक्के हैं, हमने अपनी चौधर वापिस लेनी है। कहने चौधर का मतलब दूसरे उस तरीके से है कि हमने जात पात की धर्म की राजनीति करने वालों को अपने देश से भगाना है, और जो यू किसान का जो अध्यादेश है ना तने दिखा दूंगा भाई, बताने लग रहा यू चीज अगर यू इसने नहीं करा ना, जित एक एक दिन इसके लिए पूरा होता जान लाग रहा, एक एक दिन इसके लिए खतरे घंटे बजान लाग रहा, आज गुजरात के भी आ लिए ना। हाँ, ये तो पागल है, ये तो पागल है। खट्टर ने 4 दिन पहले बयान दिया,
इकट्ठा न कया पंजाब वाले हरियाणा वाले को नहीं उस अगले दिन पब्लिक किसान बढ़िया इकट्ठा न कया ये खालिस्तानी है उस अगले दिन पंजाब का सारा किसान बढ़िया। अभी जितना भी ये उल्ट बोल रहे हैं उतनी संख्या बढ़ लाग रही और सब ने बेरा पूरे भारत के नौजवान ने पता लाग गया कि यू मोदी हिटलर शाही है। इसके मन में नू आ गया मैं 50 साल राज करूँगा पर या तो ये धरती है ऋषि मुनिया की तो इन ये यू आंदोलन इसी को ख़त्म करने के लिए और ऑटोमेटिक वाहेगुरु ने परमात्मा ने इस दिल्ली की इस जगह पर रख दिया है। घना खिलाफ न बोला सरकार के भीतर गोदे कितने रोज गोवा कितने गोवा भी तो छुटवा के ले आए थे बताने रहे 50 केस दर्ज करवाए 10-20 बार जेल की सलाखा था। अगर ये क्रांतिकारी डर जाते चंद्रशेखर डर जाता राम प्रसाद बिस्मिल डर जाता जिन्हें देश आज़ाद कराया तो फिर यो देश आज़ाद नहीं होना था मेरे भाई। हम जेल तक कोई नहीं डरिया करते और अंग्रेजों के आने से क्या बिगड़ा था हमारा अगर बिगड़ा भी है तो क्या सुधर है हमारा। इन तो बढ़िया अंग्रेज थे अंग्रेज वो काम करके चले गए रेलवे लाइन जाकर देख कालका में बैठे और शिमला चाल बनवा देना रेलवे लाइन इनके एक एक साल में तो पुल टूटने लग रहे। इन तो बड़ी अंग्रेज थे हमने तो ये पता लग गया इन तो बड़ी अंग्रेज थे मेरे सारे का मेरे देश में ये वो लोग होंगे ना इस टाइम तो यार अभी कनाडा की तरिया लाइन लाग जी भट्ठा गोल कर दिया इन्होंने तो जो यू राज है जिन लोगों का इनका कोई शहीद हो के आर एस एस वाले तो है ये खिचड़ी खा हुए तो हैं कोई आज तक किसी बलिदान दिया हो इस देश के ऊपर इन्होंने कोई कुर्बानी दी हो जिन्हें कुर्बानी दी वो तो आर्य थे वे तो नस्ल थी नस्ल राज ये ले गए वे रेल में बताने ले रहे जो सरी जुड़ से आदमी थे वे बेचारे अपना अनु रह गए राज लेकर अंग्रेजा के पिट्ठू हैं तो अंग्रेजा के पिट्ठू अंग्रेजा की औलाद है। चल भाई शेखुप्रिया आखिर में क्या मांगे सरकार से तेरी भाई आखिर में यह मांग है हे शासक हे हिटलर शाही शासक हे घमंडी शासक हे धर्म के देवता नू सोचा बस मैं ही भगवान हूँ हे प्रधानमंत्री सांझ तक कल तक अपना बयान वापिस ले ले अरे इन ननू कह दे भाई ठीक अरे के तो चीज लिखवाना चाहो ये MSP एक चीज लिख दे लिखित में लिख दे इसने संभाल ले यू कल 10 किलोमीटर था आज यू 15 किलोमीटर है कल ना यू 20 किलोमीटर होगा और 25 किलोमीटर होगा 5 ना क्या पब्लिक बढ़ने लाग रही तो फिर कुकर संभाला जाओगा फिर भाग्य घर फिर देश ने छोड़कर भाग्य घर फिर भी मान में बैठ कर जाओगा। इसलिए आपके चैनल तय शुद्ध बुद्धि दे भगवान इन और भाई ये जो मांग अभी तो स्वामीनाथन की ठा दी ना इन्हें फिर इनका गता के लग गएंगे ये बता MSP मांग रहे हैं तो इन्हें शुद्ध बुद्धि दे और भाई अपना राज आनी जानी चीज़ हो है कर दो जितना जल्दी हो सका उतना ही ये सही कहे होंगे नहीं तो गलत हो जाएगा सारा संग गलत हो जाएगा सारा संग। भाई देख लिया भाई शेखुप्रिया भाई जब खुली बात कह दी और चेतावनी दे दी सरकार तय अगर भाई कानून तो उल्टे करा के शासन ले लेंगे यही बात है ना भाई यही बात है नस्ल नस्ल ही ऐसी पूछ गया है किसी सरदार से पूछ ले किसी मुन्ने से पूछ ले जिस तरह भी पूछेगा किस तरह पूछ ले। दूसरी बात है खान पीन की दिक्कत हो जा रहा है लस्सी की गाड़ियां लागी पर कहना पास के गा मत है खान पीन का तोड़ पाट रहे रे लोग छिक लिए खीर देखा के देखी खीर खा के देखी बिल्कुल खाई भाई अरे इन्होंने मारते सिखा दिए न सरदारा न बेचारा न कि लंगरी सबसे बड़ी चीज है लंगरी सबसे बड़ी चीज है भाई। ओ भाई एक मिनट बता दूंगे असली बता दूंगे यू तानाशाही पर आ गया ना तने दिखा भी दूंगा जीबिया जनगणना होगी ना यू रजिस्टर लेकर घूमेंगे जिस पर ये जनगणना नहीं चल रही है ये 50% किसान नू कह देंगे इस तरह तू अपने धर्म ना अपने सिर पर नाच ले आम चाल ले नू भी हो सका जहर बढ़ रहा है। मैं चल जा मैं पैदा होया कौम मैं या कुछ भी जाट का पैदा होया मैं कभी जाट शब्द लिखा भी नहीं करूँ था 2016 में मुरथल में इन मारता बदनाम करने खातर दपट्टे काली चुन्नी कच्छा लड़कियों की झाड़िया पर टांग के और रात ने तो झाड़िया पर टांगी थी और टांगने वाले थे करनाल के 2 पत्रकार थे मैं नाम नहीं बताऊंगा और अगले दिन अखबार में आई थी कि हरियाणा के जाटों ने किया बलात्कार। अरे क्या कुछ भी हो 2 महीने घर से बाहर नहीं निकले थे यह बात आज का नहीं पड़ रही है पर हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते नाम धर्मवाद में विश्वास करते ठीक आ रही है बताने लग रहा है यही चीज सिखाओ बालका ने 5% है 10% है इस देश में हम हैं इसलिए मरता है डर लग गया रहा है वो तो आप ही कह रहे थे साची बात कोई कंधा है कोई नहीं हम साची बात कह दें और कंधे रहोगे जब तक जिंदगी काली मानने हैं आप बताने लग रहे हैं साची बात कौन चल भाई ये हमारे साथ भाई युवा था शेखू
सुखा शेखुपुरिया जेपी शेखुपुरिया खुली बात कह दी, खुली चेतावनी दे दी। ये देखना होगा भाई सरकार के फैसला लेगी इन कृषि बिलों को लेके, गणित देखने वाली बात पाओ गया। आप जुड़े रहो, बने रहो ग्राउंड मीडिया से, लगातार हम आपको इस किसान आंदोलन की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे ग्राउंड मीडिया से। मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन से होगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर से।